कई बार काल्पनिक सेंटेंसेस में हम कोई चीज रखने की बात नहीं करते हैं, बल्कि कुछ होने की बात करते हैं। जैसे, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक टीचर होता, काश मैं एक इंजीनियर होता। इस काल्पनिक सेंटेंस में मैंने रखने की बात नहीं किया, बल्कि कोई चीज होने की बात किया। तो इस तरह के हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस यानी काल्पनिक सेंटेंसेस जहां आप कुछ होने की बात करते हैं, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी आपका स्ट्रक्चर होगा वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। और अगर इस तरह का सेंटेंसेस पास्ट में हो तो आप वर्ब के जगह पर हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर होगा वुड दैट सब्जेक्ट हैड बीन प्लस नाउन। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो काश मैं एक डॉक्टर होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई वर अ डॉक्टर। ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, यानी मैं प्रेजेंट की कल्पना कर रहा हूँ कि काश प्रेजेंट टाइम में मैं एक डॉक्टर होता। लेकिन मान लीजिए अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो, जैसे काश मैं 2005 में एक प्रिंसिपल होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वुड दैट आई हैड बीन अ प्रिंसिपल इन 2005। यानी काश मैं 2005 में एक प्रिंसिपल होता। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला 2005, जिससे यह पता चला कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2005 गुजरी हुई बात है। अगर आपको कहना हो काश मैं एक क्रिकेटर होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विश आई वर अ क्रिकेटर। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस बोला वर, क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट का है। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना चाहें, जैसे काश मैं तब एक क्रिकेटर होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वुड दैट आई हैड बीन अ क्रिकेटर देन। यानी काश उन दिनों मैं एक क्रिकेटर होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सीखा कि अगर आप कोई ऐसा कल्पना कर रहे हैं जहाँ आप कुछ होने की बात कर रहे हैं और वो कल्पना प्रेजेंट का है, तो आप वर्ब का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वो कल्पना पास्ट का है, तो आप वर्ब की जगह पर हैड बीन का इस्तेमाल करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया।